लंबे समय की समस्या से संबंधित टॉपिक है ये। लगभग लगभग 2500 वर्ष पहले से इस भारत में जन्म ली हुई है और भारत के लोग आज भी समझ नहीं पाता है कि वो कौन सी समस्या है। थोड़ा तो पंखा बंद होता ना तो आवाज़ थोड़ा साफ आता। तो मैं बता रहा था कि एक ज्वलंत समस्या 2500 वर्ष पहले से हमारे देश में है और समय ही नहीं है, हमारे सनातन धर्म के लोगों को कि उन चीजों को समझ पाए। है सबके अंदर ये भावना उठती है कि हमारा सनातन मजबूत हो, हमारा हिंदू धर्म मजबूत हो, और इसके लिए प्रयत्न भी कुछ लोगों ने किया, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने किया, राजा रामा मोहन राय ने किया, केशव चंद्र सेन ने किया, दयानंद सरस्वती ने किया, हमारे बड़े बड़े विद्वान हुए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया, तुलसीदास ने किया, ये सभी महान संत जो थे वो सनातन के मजबूती के लिए काम किए और वो लंबे समय तक इस अभियान से जुड़े रहे। लेकिन ध्यान रखेंगे, इस प्रकृति का यदि वास्तविक रूप से ब्रह्म धर्म है, ब्रह्मांड का जीवित धर्म है, तो वो सनातन है। बाकी जितने भी धर्म है वो उसी के अंश है जिसमें अत्यधिक कृत्रिम चीजें आई है जो उनको पोषित कर रही है। और सनातन में जो कमजोरियां आ गई वह सनातन को लगभग मृत्यु के कगार पर पहुंचा दी है। मैं बता रहा हूं कि बहुत से लोग हम लोगों को कहते हैं तिलक क्यों लगाते हैं। अरे भैया, मुझे मैं भाग्यशाली हूं कि मेरा जन्म सनातन में हुआ है और सनातन में चेहरे के श्रृंगार करने का प्रावधान है। हम करते हैं क्यों? हम चेहरे को बदरूप बना के रखे हैं तो श्रृंगार है, हम मस्तक की श्रृंगार करते हैं तो हम टीक भी बढ़ा कर रखते हैं, ये हमारे मस्तक का श्रृंगार करता है। कलई क्यों बांधते हैं? तो हम तो इतने अच्छे धर्म में जन्म लिए हैं कि हम हाथों की श्रृंगार करते हैं, सोवता है, अच्छा लगता है। हमारे देवताओं ने भी, हमारे पूर्वजों ने भी हमें बताया है कि उंगलियों का भी श्रृंगार करो, तरह तरह के रत्न धारण करते हैं, जो इस पीले पर ग्रीन हमें अच्छा लगता है, ये काला लिए अच्छा लगता है, ये लाल अच्छा लगता है, ये सफेद अच्छा लगता है। तो हमें तो हमारे धर्म ने चरम वैज्ञानिकता के चीज को दिया है। अगर हम चेहरे पर केसर की तिलक लगाते हैं तो केसर हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, अंदर की ऊर्जा को बढ़ाता है, स्टेमिना को बढ़ाता है, साथ ही साथ हमारे चेहरे के पिंपल से उसे दूर करता है। हम क्यों नहीं लगा? हम ये सोना का बद्दी या कुछ भी धारण करते हैं, ये सोना जो है ऑलरेडी सबसे ज्यादा तन्य होता है, मेलियाबिलिटी मैक्सिमम अभी तक ज्ञात सभी मेटल में से गोल्ड का ही होता है, यह इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है। क्यों नहीं धारण करें? हमारे ये पन्ना है एल्युमिनियम ऑक्साइड से बना है, यह भी हमारे त्वचा को चिकना देता है, मजबूत बनाता है, हमारे अंदर जो ग्रीन प्रकाश है सूर्य की उसको क्या करता है, ऑब्जर्व करके रखता है। हम क्यों नहीं धारण करें? ये जो माणिक है हमें ऊर्जा प्रदान करता है, क्यों नहीं धारण करें? तो इस तरीके से हम एक तरीके के ट्रीटमेंट भी अपने शरीर का कर रहे होते हैं।
क्योंकि हम उतने भाग्यशाली हैं कि सनातन में जन्म हुआ है और बड़ी गर्व से हम इसे धारण करेंगे, ये पश्चाताप से और किसी संत के और किसी ज्योतिष के बताने से नहीं। लेकिन हाँ, एक जो समस्या सबसे बड़ी सनातन की आई है, वो सब आप दूर करें, वो मैं आज कुछ शेयर करने जा रहा हूं आपको पॉइंट। आप देखेंगे कि लोग कहता है सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण वह है या सर्वश्रेष्ठ संत वह है जो, देखेंगे यहां कि जो नियमित उपवास करे। गजब, अगर आपका धर्म का नेता उपवास कर कर के मर जाए, कमजोर हो जाए, और हम भी उसी ब्राह्मण को या संत को अच्छा मानते हैं, तो इसका मतलब है कि धर्म के नेता समाप्त हो जाए तो धर्म बचेगी कहां। तो ये एक सबसे बुरी बात है कि हम कहते हैं बाबा जो है ना वो 24 घंटा में एक बार ही खाते हैं, वो केवल दूध पी के रहते हैं, वो केवल मरीचा खा के रहते हैं, बाबा खब्बे नहीं करते, बाबा कोई ऐसा व्रत नहीं जिसे नहीं करते हैं, बड़ा श्रेष्ठ ब्राह्मण है, मुआ के श्रेष्ठ ब्राह्मण है। गलत बात है। आगे हम कहते हैं कि मांसाहार नहीं करते, मान लीजिए उन्होंने कुपोषण हो गई, बीमारी हो गया, कमजोर हो गए, तो जब भगवान ने ही बनाकर हमें भेजा है सर्वाहारी, क्यों नहीं मांसाहार करेंगे। तो आप कहते क्या है कि संत जो है, हमारा टॉपिक है कि श्रेष्ठ संत वो है जो मांसाहार न करे। सुनी सुनाई जैन धर्म की बात हिंदू में क्यों ढकेल रहे हो, सुनी सुनी बौद्ध धर्म की बातें सनातन में क्यों ढकेल रहे हो जबरदस्ती। कहां लिखा हुआ है ऋग्वेद में कि मांसाहार नहीं करना है, चारों वेद पलट के दिखा दो। कमजोर ब्राह्मण होगा, कमजोर संत होगा, तो उसे ताकत के लिए मांसाहार क्या बुरी चीज है। लेकिन आप कहते हो कि संत वह है जो उपवास करे, यानी कमजोर हो जाए, मांसाहार न करे और कमजोर हो जाए, विकेट जल्दी उड़े उसका, या गिर गिरा के भीख मांगता चले, लहसुन और प्याज नहीं खाए। आप सब हिंदू सब कहते हैं कि श्रेष्ठ संत वह है या श्रेष्ठ ब्राह्मण वह है जो लहसुन प्याज न खाए। गजब, दूसरे वाले दिमाग लगा दिए। आप देखना कि दूसरे धर्म वाले दिमाग लगाकर तुम्हें बर्बाद कर रहे हैं और सनातन आज अंतिम दिन गिन रहा है, आपको बता रहे हैं। पूरे इस विश्व में जहां 8 अरब की आबादी है, मात्र 1 अरब भी आप नहीं हो, 82 करोड़ के आसपास हो, ऐसा क्यों। तो इसके पीछे एकमात्र कारण है कि हम सनातन के लोग ही अपने धर्म नेता को अच्छा तब मानते हैं जब वो लहसुन प्याज ना खाए। कहते हैं बाबा वो अच्छे हैं क्योंकि उनके घर लहसुन प्याज आज तक नहीं बनता, मरे उनके किडनी में स्टोन हो जाए, उनके गल ब्लैडर में स्टोन हो जाए, उनका परिवार उजर जाए, वंश वृद्धि उनका ना हो, तब उस श्रेष्ठ ब्राह्मण है, श्रेष्ठ संत है। गजब सी स्थिति है हमारी। आगे, सादा जीवन जिए, माने झीलंगा धोती पहन के चले या भिखमंगा की तरह चदर ओढ़ के चले, बाबा है, उनको कोट पैंट जींस और स्वेटर पहनने की अनुमति नहीं है, ठंडा में कांपते रहे और गर्मी में धूप में सुखते रहे, यही संत है आपके। वो अच्छा कपड़ा न पहने, सारा शरीर न ढके, क्योंकि वो कष्ट में रहेंगे तबे हम उनको अपना धर्म नेता मानेंगे। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। काया क्लेश करें, यानी वो धुई रमा कर अब बैठ के देख के सिकाई करें, मरते रहें छटपटा छटपटा कर, बाबा बहुत बड़ा है, गर्मी के दिनों में भी वो चारों तरफ धुई रमा देते हैं और बैठे रहते हैं। नागा बाबा है, जाड़े के दिन में ठंडा पानी से नहा रहे होते हैं, अकते श्रेष्ठ है बाबा, इन्हें मुंह है। हम लोग उसी को धर्म नेता बनाएंगे जो एकदम से उपवास करके कमजोर हो जाए, मांसाहार न करके कुपोषित हो जाए, लहसुन प्याज न खा के शरीर में किडनी वगैरह सब डिस्टर्ब कर ले, स्टोन बना ले, सादा जीवन जी के एकदम से लंगे अधरंगे घूमते चले, काया क्लेश करे यानी एकदम भूखे प्यास से छटपटाता रहे, उसको हम कहेंगे वो संत है। अरे हमारे सनातन धर्म के मानने वाले लोग, और श्रेष्ठ ब्राह्मण है, बाप सष्टांग बाबा कभी खोले ना खास,
बाबा मांस तो छूलन ना, लहसुन देख लिहन कहीं तो इसे भाग जालो मुखे मरस बाबा। आगे देखिए, विवाह न करें। अब बाबा नहीं विवाह करेंगे, उनके घर अच्छे संतान नहीं जन्म लेंगे, तो काकू संस्कारी लोगों के संतान आएंगे यहाँ, उनके कई पीढ़ियों से आ रहे हैं अच्छे बच्चे, अच्छे संस्कार, अच्छे परिवार के लोग। अगर उनके घर संतान नहीं जन्म लेगा तो फिर अच्छा संस्कार मिलेगा कैसे? हम कहते हैं बाबा विवाह न करे, बाबा ब्रह्मचर्य है, मन ले गया उनका पीढ़ी आदमी सारा योग्यता का। आज बताइए आप लोग, मोदी जी काफी टैलेंटेड है, अगर उनका बेटा होता कुछ ना कुछ तो टैलेंटेड होता। अगर कलाम साहब वैज्ञानिक थे, उनका बेटा होता पापा के साथ ही रहता तो कुछ ना कुछ विज्ञान तो सीखता। नहीं, कलाम साहब अच्छे थे, विवाह नहीं किए इसलिए। मोदी जी अच्छे, विवाह नहीं किए इसलिए। इसलिए ब्राह्मणों पर भी यही आरोप लगा देते हैं, विवाह मत करो भैया, का जरूरी है, ऐसे कुंवारे मरो, तुम्हारी योग्यता पढ़ लिख के समाप्त हो जाए, तुम्हारे जैसे बच्चे कहे के लिए आएंगे, कहे के लिए लगे रहेंगे हम? आप कितना देर ब्राह्मण के पास सटेंगे जो सीखेंगे? उसका बच्चा तो हमेशा रहेगा ना, उसी गोद में खेलेगा, उसी गोद में पलेगा, अच्छा ज्ञान प्राप्त करेगा संत का, चाहे किसी जाति का संत हो। अगर सनातन का संत है तो सभी को हम ब्राह्मण मानते हैं। वाल्मीकि किसी जाति में जन्म लिए संत थे, कबीरदास कहीं रहे संत थे, इसी ढंग से आपको अनेक विद्वान, रैदास किसी जाति में जन्म लिए वो भी संत थे, उनका संतान होना चाहिए, वो योग्य लोग थे। आगे दानशील हो, यानी वो अपना सब कुछ बांट दे, ऐसे ही बेकार में खर्च कर दे लोगों में, खत्म हो जाए आर्थिक रूप से। आगे है केवल राम नाम का जाप करे, गजब। हम मानते हैं जहां जाए सीधे सीधे राम नाम का जाप करे वही संत है, वो बाकी चीज में नहीं, वो उसी में घूमता रहे उतना ही ज्ञान उसका सीमित हो जाए। अरे उसे समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार अनुसंधान करते तो शायद आपको पता होना चाहिए। कहिएगा छोटी में वो बड़ी बात कहते हैं, क्या पृथ्वी जब से थी समस्या उत्पन्न नहीं हुई होगी? हुई होगी, अनेक बीमारियां हुआ होगा, चाहे वो मनुष्य 25 लाख वर्ष पहले सामान्य जीवन जीना शुरू किया हो, उस समय में भी बीमारी हुई होगी और उपचार हुआ होगा। किसने किया उपचार? ज्ञानियों, संतों ने, विद्वानों ने दवा बनाई। लेकिन आज कोरोना हुआ, पूरा विश्व बंद हो गया, क्योंकि संतों को हम लोग अनुमति नहीं दिए, उनको रोकते गए, उनको वंश वृद्धि नहीं होने दी। डॉक्टर बनाए तो दवा कोरोना के बनाए, लेकिन कैसी दवा बनाए आप देख लीजिए। क्या तो ये कोरोना वायरस नंबर 1 है, तो 2 है, तो अमेरिक कौन है, तो पता नहीं कौन है, डोज लेते रहिए आप, मरते रहिए। इसके पहले भी बीमारियां होती थी और उन संतों ने, उन तपस्वियों ने अनुसंधान किया, अनुसंधान करके आयुर्वेद के माध्यम से लोगों का उपचार किया, तभी हमारी पीढ़ी आज यहां तक पहुंची है, अन्यथा उन वायरस के कारण, बैक्टीरिया के कारण हम समाप्त हो गए रहते। मानव आबादी आज नहीं दिखती इतनी जितना 7.5 अरब दिख रही है या 8 अरब दिख रही है। यह हमारे संतों का, चाहे जिस धर्म के भी हो, जिस महादेश के हो, उनके अनुसंधान थी, उपचार किए, बीमारियों पर उन्होंने विजय हासिल की थी। तो इस तरीके से वो केवल राम नाम के जाप में यदि लग जाएंगे तो अनुसंधान करेंगे क्या? उनको अनुसंधान करने देना चाहिए। लेकिन हम श्रेष्ठ संत उसे मानते हैं जो खाली माला जपते रहे, गजब। हम लोग जो मानक तय कर दिए आज के उसी में लोग संलिप्त होकर आ गए। धन संचय नहीं करे बल्कि मांग कर खाए, यानी भिखारी हो जाए तो संत है, गजब। तो सब भिखारी हो जाओ, मांगने कहां चलेंगे हम लोग? आगे देखेंगे हम, जंगलों में रहे, ये लीजिए। जंगल में क्यों रहे संत, क्यों पहाड़ों पर संत रहे? वो जंगल में अपने ज्ञान का क्या प्रयोग करेगा? वो जंगल में किस तरीके से, या पहाड़ों में किस तरीके से अनुसंधान करेगा? आगे अहिंसक हो। अब संत यदि अहिंसक हो जाए, उसके सामने जहरीला सांप आ जाए, शेर आ जाए, ठीक इसी ढंग से कोई कॉकरोच आ जाए, छिपकलियां आ जाए, गोह आ जाए, और वो कहे हम हिंसा नहीं करेंगे, अजगर उसको खा जाएगा, तो दुश्मन जब भी आए, चाहे किसी पंथ के दुश्मन हो या किसी जीव जंतु प्रकार के दुश्मन हो, उससे वो अगर अहिंसक बना रहेगा तो क्या दशा होगी उसको? लेकिन हम कहते हैं कि संत उसे ही कहेंगे। आप ये चार्ट देख सकते हैं,
मेरा ऐसा मानना है कि अगर ऐसा करने लगे तो लोग कहेंगे संत नहीं है। क्या वह स्वस्थ भोजन ले, जैसे ही वह स्वस्थ भोजन लेना शुरू कर देगा लोग कहेगा वो बाबा हुआ, 10 गो पूरी खालन, 14 गो रोटी खालन, वो संत हुआ। और गजब, स्वस्थ भोजन कोई कर नहीं सकता है, गजब सी बात है। तो इस तरीके से उन पर रोक है, नहीं करना है ज्यादा। आगे है जरूरत मांसाहार, बस मांसाहार करे, कमजोर हो गए उनको वैद्य ने राय दिया मांसाहार करो, नहीं वो नहीं कर सकते, मर जाए। अगर कर लिए तो आजकल हम क्या कहेंगे, उस संत होके भी मीट खाता है सब, ब्राह्मण होके भी मछली खाता है सब, उसका अपमान शुरू कर देते, गजब सी बात है। वो क्यों नहीं खाएगा, मरे क्या भूखे वो। तो इस तरीके से उसको कहता लहसुन प्याज अगर खूब खाए तब भी अपमान करते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि स्वस्थ भोजन ले, जरूरत बस मांसाहार करे, लहसुन और प्याज खूब खाए, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े उसकी, संतों की, चाहे वो किसी जाति का संत हो, मैं बार बार कहना चाहता हूं, ताकत हो उसके अंदर। आज जो कर्नाटक में हाल है, मध्य प्रदेश में हाल है, जम्मू कश्मीर में हाल है, केरल में हाल है, मणिपुर में हाल है, मेघालय में हाल है, मिजोरम में हाल है, त्रिपुरा में हाल है, क्या वही हाल चाहते हैं बके हुए क्षेत्र में शुरू हो जाए, कि सनातन समाप्त तो हो जाए, सनातन दूसरे पर निर्भर होकर रहे? नहीं। अगर चाहते हैं कि सनातन बचा रहे, सनातन सुरक्षित रहे, तो आपके कमजोरियों का लाभ उठाया है विदेशियों ने, जो यूरोप से चलकर भारत में ईसाई धर्म लाए और मक्का से चलकर यहां इस्लाम लाए। आप कहां गए मक्का में फैलाने के लिए, आप कहां गए यूरोप में फैलाने के लिए? क्योंकि आप पर जैनिज्म हावी हो गया, बौद्धिज्म हावी हो गया, और जैनिज्म और बौद्धिज्म के सिद्धांत को भी बेहतरीन तरीके से सनातन के लोगों ने नहीं समझा। महावीर ऐसा नहीं कि साधारण थे, बहुत बड़े विद्वान थे, तत्काल के लिए उन्होंने दिया था। महात्मा बुद्ध भी तत्काल के लिए दिया था, क्योंकि राजा बहुत विवाह कर रहे थे, बहुत हिंसा हो रही थी, इसलिए हिंसा का सिद्धांत दिया था। लेकिन ऐसा नहीं कि इस हिंसा को एकदम से नियंत्रण पर ही डाल दीजिए। आगे देखेंगे, अगर ब्राह्मण या संत वैज्ञानिक जीवन जिए, जीना चाहिए, सनातन के विस्तार के लिए उसे कष्ट करे, यानी सुरक्षा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, विवाह करे, एक से अधिक जरूरत है तब भी करे, ठीक इसी ढंग से धन का दान बेकार लोगों में न करें। धन का दान अगर आलसियों में करेंगे और आलसी होगा, एक दिन एक कटोरा अगर मिल जाता है, दूसरे दिन बेटा को लेके चलेगा, 2 कटोरा मिलेगा बेटा चल, कर्महीन होगा। दानशीलता कर्महीनता को बढ़ावा देती है, इसलिए दानशील बनकर पुण्य न बने, दान करके आप पाप करते हैं, उसे आप काम देकर उसे कर्मशील बनाइए, वो दानशीलता कही जाती है। परिस्थितियों के अनुसार जाप धर्म करें, जरूरत पड़ेगी तो वो जाप करेगा, जरूरत पड़ेगी तो वो धर्म करेगा, जरूरत नहीं है तो धर्म की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, धन संचय भी करे और सदुपयोग भी करे। बिल्कुल, ब्राह्मण को चाहिए कि धन संचय करेगा तब ना सदुपयोग करेगा, सदुपयोग में जरूरत पड़ेगी। अगर आज तिरुपति मंदिर में धन था तो कोरोना में दिया, वैष्णो देवी में धर्म था तो कोरोना में दिया, ठीक इसी ढंग से भूकंप नेपाल में आए थे, बहुत सारे लोग छत बिछत थे, वैष्णो देवी ट्रस्ट जो श्राइन बोर्ड है उन्होंने पैसा दिया वहां के लोगों के उपचार के लिए। अच्छे हाथों में धन अगर रहेंगे तो संकट में आपको मिलेगा। लेकिन आप बताओ, क्या ईसाई किसी चर्च से पैसा आया था? ये प्राकृतिक संकट जो भूकंप था, क्या भूकंप ये केवल हिंदुओं के लिए आया था? सबसे ज्यादा तो नेपाल में मुसलमान मरे थे, फिर भी जो है आपको तिरुपति मंदिर वहां धन दिया था इलाज के लिए। किसी मस्जिद से धन गए 1 रुपया भी कोई बता दे, किसी चर्च से 1 रुपया भी गया? नहीं गया। तो अच्छे हाथों में, ब्राह्मणों के हाथों में, संतों के हाथों में, मंदिरों में धन संचय होना चाहिए, और उसमें सरकार की हिस्सा भी नहीं होनी चाहिए, वो जनता में खर्च हो, जनता के लिए खर्च हो। आगे, विकसित आवास में रहे। ये भी हम लोग कहते हैं कि ब्राह्मण विकसित आवास में न रहे, जंगल में रहे। अरे विकसित आवास में रहेगा, सुरक्षित रहेगा, माइंड कूल रहेगा, अनुसंधान करेगा संत, और तब जाके अच्छा अच्छा कोरोना के वो दवा बना देगा। आज उनको हम सम्मान नहीं दिए विद्वानों को, तो देखिए एक से एक बीमारियां फैल रही है, जांच करा के आ रहे हैं, पता नहीं ये निकला वो निकला, फलना डिकना, मर रहे हम लोग।
चूंकि उनको तो हम लोग जंगल धरा दिए संतों को विद्वानों को, अब मेडिकल अनुसंधान में भी हम उन लोगों को भेज रहे हैं जिनका काफी अंक कम है, का तो उनको नौकरी कराना जरूरी है, नौकरी कराने के नाम पर अनुसंधान करता बेवकूफ भेज रहे हैं, क्या अनुसंधान करेंगे वो, नौकरी देना है तो अन्य पदों पर दीजिए जहां से कोई ज्यादा अनुसंधान प्रभावित ना हो, सुरक्षा में दीजिए, शिक्षा में दीजिए, अनुसंधान में किसी भी प्रकार के योग्यतम व्यक्ति को डालिए, इस ढंग से विकसित आवास में उन्हें रहना चाहिए। आगे सनातन के दुश्मनों के लिए हिंसा भी करनी चाहिए, तो मेरा ऐसा मानना है कि समाज के लोगों का ये चार्ट दिया जाए तो लोग कहेंगे सीधे सीधे की गलत है, ऐसे संत नहीं होता, संत को चाहिए ये होना। लेकिन अफसोस कि आपको 21वीं शताब्दी के तीसरे दशक में मैं निवेदन करता हूं कि आप या तो ऋग्वैदिक हो जाइए या सनातन के इस स्वरूप को समझिए, यही स्वरूप ऋग्वेद में भी था, बाहर से जो संक्रमण करके दूसरे धर्म से आकर कुछ शॉर्ट टाइम परिस्थितियों के अनुसार, मान लीजिए कोरोना के दौरान बंदी था कुछ दिन के लिए था, इसे हमेशा करते रहेंगे तो क्या देश तरक्की करेगा, महात्मा बुद्ध ने समटाइम नॉलेज दिया था, उस समय के लिए जरूरी था, वैज्ञानिक था, महावीर ने समटाइम्स के लिए दिया था, उस समय के लिए जरूरी था। आज जब विदेशी आक्रांता बड़े पैमाने पर देश पर न केवल मंडरा रहे हैं बल्कि हमारे पश्चिमी क्षेत्र पूर्वी क्षेत्र को दो देश बना दिए, देश के अंदर भी बड़े पैमाने पर टुकने टुकड़ा टुकड़ा करने की बात कर रहे हैं, हम इस देश की संस्कृति और सभ्यता को भी अनुसरण करने के लिए मोहताज है, दूसरे के ऊपर बाधा उत्पन्न की जा रही है, ऐसी स्थिति में हमें पुनः ऋग्वेद के सिद्धांतों का अनुसरण करना होगा जिसमें यह स्पष्टता है कि स्वस्थ भोजन सभी संत लें, जरूरतवश मांसाहार भी करें, लहसुन प्याज खूब खाएं, वैज्ञानिक जीवन जिए सभी संत, सनातन के लिए विस्तार करें, कष्ट करें और सनातन की सुरक्षा को महत्वपूर्ण बनाएं, खूब विवाह करें, स्त्री भी विवाह करे, विधवा विवाह अगर हो तो 2-4-5, और पुरुष भी करे जिससे जो है एक से अधिक विवाह करके संतानोत्पत्ति, हम आबादी बढ़ाने के लिए नहीं कह रहे हैं, योग्य आदमी अगर विवाह न करे तो हो सकता है योग्य संतान का जन्म न हो, इसलिए कलाम साहब को विवाह करना चाहिए था, मोदी जी को करना चाहिए, आदित्यनाथ योगी जी को भी करना चाहिए, क्योंकि ये लोग महान है और महान आत्माओं के अगर संतान नहीं होंगे तो उनके गोद में खिलने का, उनके विचारों को समझने का अवसर नहीं मिलेगा। हम ये नहीं कहते कि योग्यता वंशानुगत होती है, लेकिन साथ में उनके रहने से योग्यता जरूर चली जाती है, तो योग्य लोगों के साथ उनके संतान एनी समय एनी टाइम रहते तो योग्यता उनमें निश्चित ही चली जाती। आगे तो विवाह करें, सभी संत विवाह करें, सधुनिया भी विवाह करें, मुझे माफ करें लेकिन मैं आधुनिक समय के लिए बात कर रहा हूं और जरूरी भी है। आगे धन का दान बेकार लोगों में ना करें, आगे परिस्थितियों के अनुसार जाप एवं धर्म करें, जरूरत हो तो जाप करें, कर्म ही जाप है, कृष्ण कहते हैं कर्मे निवार अधिकार स्तु मा फलेषु कदाचन, धन संचय भी करें, धन बिटोरें, सभी संत धन बिटोरें और उसका सदुपयोग करें, जरूरत बस उसको आप खर्च करें। आगे है कि विकसित आवास में रहें, क्यों जंगल में रहेंगे बताइए, तो आप संत हो, आप महान हो, आप बड़े हो, आप क्यों जंगल में रहोगे, पहाड़ पर रहोगे, अच्छे आवास में रहिए, अच्छा घर बनाइए, कहने दीजिए समाज को, समाज सुधरेगा, विचार बदलेगी। और सनातन के दुश्मनों का अगर जरूरत पड़े तो हिंसा भी कीजिए, क्योंकि वो हिंसा हिंसा नहीं है, सनातन की रक्षा है, और सनातन की रक्षा के लिए जब तक आपके पास ही सारी चीजें नहीं होगी, ताकत नहीं होगी, आप उसकी रक्षा केवल मृत लोगों के बल पर, भाव देवताओं के बल पर छोड़ दे उचित नहीं है। वो कहते हैं मैं अपने जैसा तुझे बनाकर भेजा हूं इस धरती पर, मुझे आने के लिए बार बार तू मत ललकार, खुद तो उत्पन्न हो, तेरे अंदर मैं हूं, अपनी रक्षा कर, तेरी रक्षा होगी, हमारी रक्षा होगी, हमें क्यों कष्ट दे रहे हो ऊपर से फिर अवतार लेने का। तो क्या आप चाहते अपने देवता को कष्ट देना कि भगवान आके लड़ेंगे,
हनुमान जी आके लड़ेंगे, शंकर जी आके लड़ेंगे, नहीं, उनके संतान हम लोग हैं। हमारा फर्ज बनता है हम अपने पूर्वजों के नाम की भी रक्षा करेंगे, उनके विचारों को भी रक्षा करेंगे, अपनी रक्षा करेंगे, अपनी बहन और बेटियों की रक्षा करेंगे और अपनी सुविकसित इस ब्रह्मांड की सबसे सुदृढ़ व्यवस्थित सनातन धर्म की भी रक्षा करेंगे। और इसके लिए मेरा मानना है कि ये चीजें समाप्त कीजिए और इस चीजों को मानिए। बस इतना ही निवेदन आप लोगों से है और इसको आप जरूर फैलाइए। धन्यवाद, नमस्कार।